कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। देखो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स समझने के लिए एक बार हम लोग सेंट्रीपिटल समझते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर सेंट्रीफ्यूगल की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि एक स्ट्रिंग है, ठीक है। एक स्ट्रिंग में हमने एक स्टोन बांध दिया है, हमने एक स्टोन को बांध दिया है यहाँ पर ऐसे। इस स्टोन का मास मान लो कि m है, और इस स्ट्रिंग के फ्री एंड से, फ्री एंड के अबाउट हमने किसी ओमेगा स्पीड से स्ट्रिंग को घुमा दिया हमने, है ना। जब आप स्ट्रिंग को घुमाओगे तो मास इस स्ट्रिंग के साथ इस तरीके से कुछ सर्कुलर मोशन में ऐसे घूमने लगेगा, है ना। यही सर्कुलर मोशन तो है जिसमें घूमेगा। अच्छा, इस सर्कुलर मोशन का रेडियस क्या होगा? तो सर, ये लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग जो होगा यही रेडियस हो जाएगा, है ना। क्योंकि आप तो फ्री एंड को सेंटर मान करके घुमा रहे हो स्ट्रिंग को, है ना। ये लेंथ हो गया। तो चलो, अब हम लोग समझते हैं कि ये सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, और कंसीडर कीजिए कि ओमेगा जो है ना वो कांस्टेंट है, एंगुलर वेलोसिटी इज कांस्टेंट। ओके, नाउ अगर एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि जो टेंजेंशियल स्पीड होगा यहाँ पर, जो मेरा ये डायरेक्शन में जो टेंजेंशियल स्पीड होगा वो इज इक्वल टू एल ओमेगा है, और वो भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, है ना। ओके बच्चों, अब एक बात बताओ कि ये जो अपना स्ट्रिंग है ना, ये जो अपना मास है, ये सर्कुलर मोशन में क्यों घूम रहा है? तो ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स घूम रहा है। तो देखिए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस की अगर मैं बात करूँ, तो जब मैं ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख रहा हूँ, मीन्स कि अपना ऑब्जर्वर जो है वो ग्राउंड पर रेस्ट में है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस रेस्ट में है, ये अभी फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज एट रेस्ट, मीन्स एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ द रेफरेंस इज जीरो। नाउ बनाए एफबीडी, चलिए देखिए, स्टोन पर टेंशन लगा इस तरफ। अच्छा, और कोई फोर्स है? और कोई फोर्स तो नहीं है, है ना। तो टेंशन कैसे लग रहा है? टुवर्ड्स द सेंटर लग रहा है ना। तो फ्रॉम ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस आप कह सकते हो कि टेंशन जो होगा वो एक्ट करेगा एज ए सेंट्रीपिटल सेंट्रीपिटल फोर्स। टेंशन एक्ट्स एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, एंड टी विल बी इक्वल टू मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। टी इज द टूवर्ड सेंटर, सो टी इक्वल टू मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और टी विल बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई एल, दैट इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर एल। ओके स्टूडेंट, ये आया टेंशन इज इक्वल टू एक इक्वेशन, और ये जो हम इक्वेशन लिख रहे हैं ये कहाँ से लिख रहे हैं? फ्रॉम ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस से। सर, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात क्यों कर रहे हैं? देखो बच्चों, फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक बार अगर आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करोगे तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस, आपको याद दिलाऊं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो होगा एक बार रेस्ट पर होगा, ओके, और एक बार मोशन में होगा, है ना। मोशन में भी दो तरीके का मोशन, एक यूनिफॉर्म मोशन और एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन, है ना बच्चों। एक यूनिफॉर्म मोशन, एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जब कहूंगा कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस एट रेस्ट या फिर नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है ना, तो इसको कहते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, और जब कहूंगा कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, मीन्स
with some acceleration a. In this case, at rest या uniform motion, in this case, acceleration is equal to zero है, but in non-uniform motion वाले केस में acceleration not equal to zero होता है बच्चों, okay? So this frame of reference is known as non-inertial frame of reference. Frame of reference. So, बच्चों जब आप FBD या फिर किसी मोशन को जब आप ऑब्जर्व करते हो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से है ना, तो क्या होता है वो देखते हैं। बड़ा ही सिंपल सा एक एग्जांपल ले रहा हूँ, फिर उसके बाद आऊँगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर भी। एक छोटा सा एक एग्जांपल लूँ अगर मैं, तो आप कंसीडर करो कि एक एलिवेटर है, ओके, एक एलिवेटर आप मान लो कि ऐसा कुछ एलिवेटर है। अब ये एलिवेटर मान लीजिए कि सम एक्सेलरेशन ए से ऊपर जा रहा है और इसमें हम कुछ मास रख दिए एन, ओके, ठीक। तो होता क्या है, जब मैं देखूं अगर ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे खड़े होकर के, मतलब मेरा जो ऑब्जर्वर है ग्राउंड पे है और ग्राउंड पे खड़े होकर के जब इस मास का, एलिवेटर के अंदर के मास का जब एफबीडी बनाता है, तो देखता है कि नीचे की ओर एक लग रहा है डाउनवर्ड वेट, ऊपर लगेगा एक नॉर्मल। बच्चों ये जो नॉर्मल है ये कौन लगा रहा है, नॉर्मल एलिवेटर का सरफेस लगा रहा है, किस पर, मास पर, ऊपर की ओर, ठीक। तो जो नॉन इनर्शियल सॉरी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से खड़े होकर के जो बच्चा जो ऑब्जर्वर एफबीडी बना रहा है वो क्या बनाएगा, वो इस तरीके से एफबीडी बनाएगा और इक्वेशन लिखेगा नॉर्मल माइनस एमजी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, नॉर्मल इज इक्वल टू एमजी प्लस एमए, है ना बच्चों। बट मैं अगर कहूँ कि एफबीडी अब बनाना है, देखो एफबीडी आप ग्राउंड से बना रहे थे ना, अब सेम सिचुएशन का एफबीडी अब बनाओ इनसाइड द लिफ्ट से, ओके, सेम सिचुएशन का एफबीडी बनाइए इनसाइड द लिफ्ट से। जब आप सेम सिचुएशन का एफबीडी इनसाइड द लिफ्ट से बनाते हो, मीन्स कि अब जो ऑब्जर्वर है ना वो लिफ्ट में आ गया है ना, अब जो ऑब्जर्वर है वो लिफ्ट में आ गया, और लिफ्ट वाला जो ऑब्जर्वर है वो तो ए एक्सेलरेशन से लिफ्ट के साथ ऊपर जा रहा है ना। ये ऑब्जर्वर जो है आपका, ये लिफ्ट के एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है ना, तो ये तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया, है ना बच्चों, ये हो गया नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ओके। नाउ अब ये बच्चा एफबीटी क्या बनेगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से क्या एफबीटी बनेगा, एम जी नॉर्मल, ओके। एंड अगर ये बच्चा अगर एफबीटी बनाएगा तो बोलेगा कि ठीक है नॉर्मल माइनस एम जी इज इक्वल टू, ये मास इनटू एक्सेलरेशन नहीं लिखेगा बच्चों, क्यों नहीं लिखेगा, क्योंकि अगर ध्यान से देखो तो ऑब्जर्वर भी ए एक्सेलरेशन से, मास भी ए एक्सेलरेशन से, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है, ऑब्जर्वर के रिलेटिव में मास का एक्सेलरेशन तो जीरो हो गया बच्चों, है ना। तो ये नेट फोर्स इज इक्वल टू जीरो लिख देगा, मास इनटू एक्सेलरेशन, ये तो एक्सेलरेशन, इस ऑब्जर्वर के रिलेटिव में मास का एक्सेलरेशन तो जीरो हो जाएगा ना, इसलिए नॉर्मल इक्वल टू एम जी हो जाएगा, है ना। लेकिन एक्चुअल में नॉर्मल इक्वल टू क्या आना चाहिए बच्चों, एम जी प्लस एम ए होना चाहिए, लेकिन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से क्या करना पड़ रहा है हमें, नॉर्मल माइनस एम जी इक्वल टू जीरो लिखना पड़ रहा है, तो ये ऑब्जर्वेशन तो रॉन्ग हो जाएगा ना, है ना। तो ये कहा गया है और ये ऑब्जर्व किया गया है कि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से न्यूटन्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल, ओके। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से न्यूटन्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल, है ना, ये तो पढ़े हैं हम लोग, आ रहा है बच्चों समझ में, ओके। फिर देखिए न्यूटन्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल, तो सर ऐसा क्या करें कि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से न्यूटन्स लॉ एप्लीकेबल हो जाए, ठीक है। तो मैंने कहा कि देखो आप बनाओ लिफ्ट,
देखिए लिफ्ट बना, लिफ्ट में वही सिचुएशन, मास एम, लिफ्ट चलाइए एक्सेलरेशन से ऊपर, बस जस्ट एक एग्जांपल ले रहे हैं, और एक ऑब्जर्वर है जो अंदर में एम का मास एम का FVD बना रहा है, नीचे mg, ऊपर नॉर्मल। ओके, अब यहाँ पे न्यूटन्स लॉ को अप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ता है बच्चों? देखिए ऑब्जर्वर के हिसाब से नेट फोर्स ऑन द मास जीरो है ना, क्योंकि ऑब्जर्वर के रिलेटिव में मास का एक्सेलरेशन जीरो है, दैट इज वाई ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में नेट फोर्स ऑन द मास जीरो होना चाहिए। तो मास को यहाँ पर नेट मास पर नेट फोर्स जीरो करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक फोर्स को ऐड करते हैं, किस पर, मास पर। ठीक है, कैसे सर, कैसे ऐड करेंगे सर? तो आपको करना कुछ नहीं है, फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। आपको ऑब्जेक्ट का मास लेना है और फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक्सेलरेशन लेना है। जैसे ये ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन कितना है बच्चों, ए, इन अपवर्ड डायरेक्शन ना, है ना। तो जिस मास का FVD बना रहे हैं उसका मास लीजिए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक्सेलरेशन लीजिए और दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख लो। जिस मास का FVD बना रहे हो वो मास, जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसका एक्सेलरेशन, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और फ्रेम ऑफ रेफरेंस के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में इस फोर्स को अप्लाई कर देंगे। तो चूंकि फ्रेम ऑफ रेफरेंस अभी अपवर्ड डायरेक्शन में ए एक्सेलरेशन से जा रहा है, तो इस फोर्स को हमने क्या किया, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में ऐड कर दिया। बच्चों ये मास कैसे आया, फिर से सुनो, जिस मास का FVD बना रहे हैं उसका मास, ठीक, और जो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसके उसका खुद का एक्सेलरेशन, जो भी उसका एक्सेलरेशन है। तो चूंकि यहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपका ए एक्सेलरेशन से अपवर्ड डायरेक्शन में लिफ्ट के साथ जा रहा है, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का ए एक्सेलरेशन, जिस मास का FVD बना रहे हो वो मास एम, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए और फ्रेम ऑफ रेफरेंस के एक्सेलरेशन के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में मास पर लगा दीजिए, है ना। तो इस फोर्स को आप कहते हो स्यूडो फोर्स, स्यूडो फोर्स कहते हैं इसको, है ना, इसको आप कहोगे स्यूडो फोर्स और लिखोगे नॉर्मल इज इक्वल टू mg प्लस ma। अब आप देख सकते हो कि ये इक्वेशन बच्चों और ये इक्वेशन दोनों सेम है, करना कुछ नहीं है। जब हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन्स लॉ को अप्लाई करेंगे तो जस्ट जिस मास का FVD लिखोगे, उस मास जिस मास का FVD लिख रहे हो उसका m, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक्सेलरेशन ए, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अपोजिट जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में मास पर अप्लाई कर देंगे, दैट इज द स्यूडो फोर्स। ओके, अब इसी का रिलेशन कुछ कुछ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से है, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको। अभी हम एग्जांपल लिए थे कि अभी हमने क्या एग्जांपल लिया था बच्चों, एक एग्जांपल लिया कि एक स्ट्रिंग लो, ठीक, अब इस स्ट्रिंग को आपको करना क्या है कि आप इस स्ट्रिंग के एक एंड पर आपने लगा दिया मास, जिसका मास m दिया है, स्ट्रिंग के फ्री एंड के अबाउट आपने ओमेगा नाम के कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से, स्ट्रिंग के एक एंड से ओमेगा नाम के कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से आपने मास को घुमा दिया इन सर्कुलर मोशन, ये आपका कांस्टेंट है। अब सर्कुलर मोशन में आपका मास कुछ इस तरीके से घूमेगा, है ना। अब देखो जब आपने कहा कि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग मान लीजिए कि एल है, V का डायरेक्शन टेंजेंशियल होता है सर्कुलर मोशन में, दैट इज एल ओमेगा हो जाएगा, V इज इक्वल टू, है ना बच्चों, ठीक है। अच्छा, मैंने कहा था फ्रॉम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर मैं यहाँ पर न्यूटन्स लॉ लिखूंगा तो एक टेंशन टी लग रहा है और टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और टी इज इक्वल टू हो जाएगा mv स्क्वायर बाई एल या फिर m ओमेगा स्क्वायर एल, है ना।
लेकिन मैं इसी क्वेश्चन को जब फ्रॉम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से सॉल्व करूंगा तो क्या होगा, मैं देख बताता हूँ आपको। फ्रॉम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से सॉल्व कीजिए इसको, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इसको मैं सॉल्व करूंगा। तो देखो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए तो सबसे पहले आपको ऑब्जर्वर को लाना पड़ेगा ना नॉन इनर्शियल फ्रेम में, तो इसी बॉब पर तो एक एक्सेलरेशन है अंदर की ओर, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है ना, तो मैंने कहा कि आप ऑब्जर्वर को इस बॉब पर बैठा दो। अब मेरा ऑब्जर्वर जो है ना इस बॉब पे आ गया, ओके। देखो मेरा जो ऑब्जर्वर है इस बॉब पे बैठा हुआ है, ओके। अब देखो मेरा ऑब्जर्वर बॉब पे बैठा है, बॉब का एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एसी है टूवर्ड्स द सेंटर, यानी कि ऑब्जर्वर भी एक एक्सेलरेशन में आ गया, ऑब्जर्वर पे भी एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अंदर की ओर सेंटर की ओर लगने लगा। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन एसी है, ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन नॉन जीरो नहीं है? अगर ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन नॉन जीरो नहीं है बच्चों, तो यही तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। मैंने कहा आपको कि अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अगर न्यूटन्स लॉ अगर अप्लाई करना है तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात कि क्या करेंगे कि देखिए सर, टेंशन तो अंदर की ओर टी लग रहा है, अब नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ना सर, तो करना कुछ नहीं है सर। इस देखिए इसका मास, जिस बॉडी का एफबीडी बना रहे हो उसका मास लो। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के यहाँ बच्चों एक्सेलरेशन कितना है, वो ए सी है। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक्सेलरेशन ए सी है, तो मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अच्छा एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या है बच्चों, अंदर की ओर है ना, तो स्यूडो फोर्स किधर लग जाएगा, बाहर की ओर लग जाएगा, है ना। ये जो T इज इक्वल टू, अब देखो अब यहाँ की अगर बात करें तो नेट फोर्स ऑन दिस ब्लॉक इज जीरो है, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं, देखो मैं लिख दे रहा हूँ, ए सी जो है ना ये एक्सेलरेशन है किसका, एक्सेलरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ना, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, AC is the acceleration of non-inertial frame of reference, है ना? तो pseudo force जो होगा बच्चों यहाँ पर क्या लिखे होंगे, pseudo force on mass छोटा m जो होगा वो हो जाएगा m into AC, क्योंकि ये acceleration अंदर की ओर है ना बच्चों, तो ये mass into centripetal acceleration बाहर की ओर लग जाएगा, है ना। तो ये जो मास है इस पर अंदर की ओर लगा टेंशन टी, बाहर की ओर लगा एम ए सी, है ना, और चूंकि ऑब्जर्वर आपका बैठा हुआ है यहीं पर, तो नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक, नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक मस्ट बी इक्वल टू जीरो होना चाहिए बच्चों। देखो बच्चों इस ब्लॉक पर, इस ब्लॉक पर नेट फोर्स जो होगा ठीक है रिलेटिव टू ऑब्जर्वर वो हो जाएगा जीरो, क्योंकि ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन जीरो है, ठीक है। तो अब आप लिखोगे फ्रॉम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से टी माइनस एम इन टू ए सी इज इक्वल टू जीरो, और टी इज इक्वल टू, देखो सेंट्रीपिटल फोर्स की अगर मैं बात करूँ तो सेंट्रीपिटल फोर्स के कॉरेस्पॉन्डिंग जो एक्सेलरेशन था वो अंदर आ रहा था, लेकिन यहाँ अगर देखो तो सेंट्रीपिटल फोर्स अगर बात करें स्यूडो फोर्स की तो वो किधर आ रहा है, अवे टू द सेंटर आ रहा है। तो इसी फोर्स को आप लोग कहते हो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, आया बात समझ में, ठीक है। तो एक बार मैं यहां पे आपको सार बता रहा हूं, जब नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से आप एफबीडी बनाओगे सर्कुलर मोशन में, तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए जिस बॉडी पर एफबीडी बना रहे उस पर जाके बैठ गए, ठीक। अब आप किए क्या, अब मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, मास ऑफ द ब्लॉक इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नाम का फोर्स एक बाहर अवे टू द सेंटर लगा दिए। अब यही जो अवे टू द सेंटर एक फोर्स लगा रहे हो ये स्यूडो फोर्स है,
चूंकि ये रेडियल फोर्स का स्यूडो फोर्स है ना, देखिए ये रेडियल फोर्स का स्यूडो फोर्स है ना, इसलिए इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। हर फोर्स का, किसी भी फोर्स का स्यूडो फोर्स को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं बोलते हैं, रेडियल फोर्स के स्यूडो फोर्स को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोला जाता है। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ओके, स्यूडो फोर्स ऑफ, स्यूडो फोर्स ऑफ रेडियल फोर्स और सेंट्रीप्यूटल फोर्स, सेंट्रीप्यूटल फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा इसको और समझते हैं। जैसे मान लो कि मैंने कहा, थोड़ा सा चेंज करते हैं क्वेश्चन में, मान लीजिए कि यही आपका ब्लॉक है, ये ब्लॉक का मास m है और हम इस ब्लॉक को फ्री एंड के अबाउट ओमेगा से घुमा रहे हैं। अब ये ओमेगा जो है ना, ये कांस्टेंट नहीं है, ये ओमेगा कांस्टेंट नहीं है, ये है इंक्रीजिंग। अगर ओमेगा इंक्रीजिंग है तो आपका जो वेलोसिटी होगा टेंजेंशियल डायरेक्शन में बच्चों, ठीक है, स्पीड जो होगा वेलोसिटी वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा, है ना, वेलोसिटी इंक्रीजिंग हो जाएगा, लेंथ एल हो जाएगा। ठीक, अच्छा वेलोसिटी अगर इंक्रीजिंग है, देखो समझना बात को क्या मैं बोल रहा हूँ आपको, अगर वेलोसिटी इंक्रीजिंग है तो इस डायरेक्शन में एक एटी आएगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो वेलोसिटी को चेंज कर रहा है, और अगर बॉडी अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो एक सेंट्रीपिटल फोर्स आ जाएगा एसी। तो एसी और एटी का एक नेट फोर्स, नेट एक्सेलरेशन इधर आएगा ना, नेट एक्सेलरेशन, तो एसी और एटी का ए नेट इधर आ जाएगा। फिर से समझिए, फिर से आप लोग समझो कि वी वेलोसिटी यहाँ पर, क्योंकि ओमेगा इज नॉट कांस्टेंट, अगर ओमेगा नहीं कांस्टेंट नहीं है तो वी कांस्टेंट नहीं होगा, अगर वी कांस्टेंट नहीं, अगर वी बढ़ रहा है, वी अगर इंक्रीज कर रहा है मतलब कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी होगा। देखो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लग गया। अब सिक्के के दूसरे पहलू पर आते हैं, क्योंकि यहाँ पे बॉडी क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो बॉडी सर्कुलर मोशन कर रहा है तो एक एक्सेलरेशन तो पक्का सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा टूवर्ड्स द सेंटर, तो नेट एक्सेलरेशन इधर हो जाएगा ना। अब इसी चीज को मैं अगर आपको कहूँ कि आप अपना ऑब्जर्वर जो है ना, आप बैठा दो ब्लॉक पर, यहाँ पे बैठ गया ऑब्जर्वर आपका, यही है ऑब्जर्वर, है ना, तो ऑब्जर्वर फिर से आप देखो कि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आ गया। ऑब्जर्वर किस में आ गया, फिर से नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आ गया, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की अगर मैं बात करूं, आप ध्यान से सुनो, देखो एक ब्लॉक है, एक ब्लॉक पर एक्सेलरेशन इस तरफ at, एक तरफ एक्सेलरेशन ac, ठीक है, तो जैसे ही हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करेंगे तो आप देखो कि एक स्यूडो फोर्स लगेगा इस तरफ mac, ठीक है, mac, और एक स्यूडो फोर्स इस तरफ लगेगा m a into tangential, है ना, आ रहा है बात समझ में कि नहीं आ रहा है, ठीक, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट स्यूडो फोर्स होगा वो कहीं इधर आ गया। ओके, तो क्वेश्चन ये है मेरा कि क्या ये जो स्यूडो फोर्स है, क्या इसको भी सर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहेंगे, क्या ये जो स्यूडो फोर्स है क्या इसको भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहेंगे, इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसको नहीं कहेंगे, है ना, ये एम, ये जो स्यूडो फोर्स है वो हमको समझ में आ रहा है कि चलो ये स्यूडो फोर्स है मेरा, ये जो मेरा स्यूडो फोर्स है बच्चों, ये जो मेरा स्यूडो फोर्स है वो आपका क्या है,
एम ए सी आई कैप माइनस एम ए टी जे कैप, ओके ये स्यूडो फोर्स है, मगर एम ए सी जो है ना ये आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, ठीक है, कोई अंतर नहीं है बच्चों, सेंट्रीपिटल फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स से भी क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व करूंगा जैसे पहले कर चुका हूँ, सेंट्रीफ्यूगल से भी वैसे ही सॉल्व करूंगा, दिक्कत सिर्फ सिर्फ और सिर्फ आपको ध्यान ये रखना है कि आपका ऑब्जर्वर कहाँ पे है। अगर ऑब्जर्वर ग्राउंड पे है तो नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, अगर ऑब्जर्वर अगर आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है तो नेट फोर्स इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। अब नेट फोर्स इज इक्वल टू जीरो करने के लिए एक सेंट्री सॉरी एक स्यूडो फोर्स मुझे ऐड करना पड़ेगा, लेकिन वो स्यूडो फोर्स सेंट्रीफ्यूगल तभी कहलाएगा जब आप किसका स्यूडो फोर्स ला रहे होंगे, स्यूडो फोर्स ऑफ रेडियल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स। आया बच्चों समझ में? तो ये रहा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर। थैंक यू।